एक दा, एक गर्भी बिच्छू और एक दयालु कछुआ दोनों आछा दोस्त थीं। दोनों दोस्त एक साथ रहा करती थीं। दोनों दोस्तों जंगल में घूम रही थी। वो दोनों जंगल में मस्ती कर रही थी क्योंकि उस जंगल में और कोई प्राणी नहीं थी। दोनों दोस्त ने आराम से सारा दिन जंगल में बिना डर से घूम रही थी। अचानक एक दिन एक मॉन्स्टर उस जंगल को घोंस आया। कछुआ ने बोला, अरे ए अजीब प्राणी कहां से आया? ओ हमको उधर रुकने नहीं देंगे, चलो चलो भाग चलो। कछुआ का घर के सामने दोनों मित्र बात करने समय से कछुआ ने बोल दिया कि मैं इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूं, हमको अलग होने पड़ेगा। बिच्छू ने कहा कि मित्र मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं। ठीक है चलो मित्र। दोनों दोस्त एक साथ पास में एक जंगल को चलने लगे। दोनों दोस्त पास जंगल को जाने का बीच में एक बड़ा नदी पड़ गया। बिच्छू ने भयभीत हो गया और बोला कि हम कैसे जा पाएंगे, मुझे तो तैरना नहीं आती। रुको मित्र, मैं कुछ उपाय ढूंढ रहा हूं। एक काम करो, तुम मेरे पीठ में बैठ जाओ, मैं पार कर दूंगी। डरो मत, मेरा पीठ में बैठ जाओ, मैं तुमको पार कर दूंगी। बिच्छू ने कछुआ का पीठ में बैठने के लिए चढ़ गया। बिच्छू जाकर कछुआ का पीठ में आराम से बैठ गया। कछुआ तैरना आरंभ कर दिया। बिच्छू ने बोला कि मित्र में हर सामन को काट सकता हूं, क्या मैं आपका कठिन पीठ को काट सकता हूं? बिच्छू ने कछुआ का पीठ को काटने लगे। कछुआ ने बोला, मित्र ये क्या कर रहा हूं? कछुआ गुस्सा में बिच्छू को नदी में डुबा दिया और पास जंगल को चलने लगा।